अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी एट डॉक्टर। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक मायसीटोल साशे के हवाले से, जिसका इस्तेमाल ख़वातीन बांझपन को ख़त्म करने के लिए कर सकती हैं। वो तमाम ख़वातीन जिन्हें बांझपन के मसाइल हैं, या वो तमाम ख़वातीन जिन्हें पीरियड के मसाइल हैं, या चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल हैं, तो उन तमाम ख़वातीन के लिए मायसीटोल साशे का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। व्यूअर्स, आज मैं आपको मायसीटोल साशे के बेनिफिट, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। आपको बताते चलूं कि मायसीटोल साशे को यूज़ करने से पहले मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, ताकि मायसीटोल साशे के गलत या ज़्यादा इस्तेमाल से आपको कोई नुकसान ना हो। तो चलिए व्यूअर्स, जानते हैं मायसीटोल साशे के बेनिफिट्स। वीडियो की तफसील जानने से पहले आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी एट डॉक्टर सब्सक्राइब किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नए आने वाली मेडिसिन से रिलेटेड मुफीद और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस न हो जाए। व्यूअर्स, मायसीटोल साशे जो एल्बर्ट फार्मास्यूटिकल का एक बहुत अच्छा ब्रांड है, मायसीटोल साशे की कंपोजिशन मायो इनिस्टॉल प्लस फॉलिक एसिड है। मायसीटोल साशे आपको डॉक्टर की हिदायत पर और अच्छे और बड़े मेडिकल स्टोर फार्मेसी से बासानी मिल जाएगा। मायसीटोल साशे के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इस साशे को ख़वातीन पीसीओएस की प्रॉब्लम को हल करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। पीसीओएस का मतलब ख़वातीन में हार्मोनल प्रॉब्लम्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मकदार का ज़्यादा होना और ख़वातीन के चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों का नमूदार होना, सर दर्द करना और पीरियड का ज़्यादा होना। व्यूअर्स, अगर इस तरह की कंडीशन ख़वातीन को हो तो उन तमाम ख़वातीन को डॉक्टर्स मायसीटोल साशे का इस्तेमाल करवाती हैं। इसके अलावा मायसीटोल साशे का इस्तेमाल इररेगुलर पीरियड यानी माहवारी की बेकायदगी, वो तमाम ख़वातीन जिन्हें माहवारी की बेकायदगी है, तो उन तमाम ख़वातीन के लिए माहवारी को बाकायदा बनाने के लिए मायसीटोल साशे का इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा मायसीटोल साशे का इस्तेमाल ओवरीज के लिए भी बहुत मुफीद है। मायसीटोल साशे एग्स बनाने में मदद करता है, एग्स की क्वालिटी को बेहतर करता है और एग्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। हैबिचुअल मिसकैरेज, इसके अलावा वो तमाम ख़वातीन जिनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, अमल गिर जाता है, तो उन तमाम ख़वातीन को डॉक्टर्स मायसीटोल साशे का इस्तेमाल करवाती हैं। इसके अलावा मायसीटोल साशे का इस्तेमाल इनफर्टिलिटी के लिए भी कराया जाता है। वो तमाम ख़वातीन जिनका हमल नहीं होता, बांझपन का शिकार हैं, तो उन तमाम ख़वातीन के लिए भी मायसीटोल साशे का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन ख़वातीन को शुगर हो जाती है, या शुगर की मकदार बढ़ जाती है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन ख़वातीन का वज़न बढ़ जाता है, तो उन तमाम ख़वातीन के लिए भी मायसीटोल साशे का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। तो व्यूअर्स, ये थे मायसीटोल साशे के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं मायसीटोल साशे के यूजेज यानी इस्तेमाल की। तो मायसीटोल साशे को आप एक साशे रोज़ाना एक गिलास पानी में हल करके यूज़ कर सकते हैं। इस साशे का इस्तेमाल 3 माह तक करें, मुकम्मल फ़ायदा ना मिलने तक इस साशे को जारी रखें, इस साशे का इस्तेमाल जारी रखें, या डॉक्टर की हिदायत पर आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मायसीटोल साशे के साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इस साशे के इस्तेमाल से पेशेंट्स को नाउसिया मतली हो सकती है, डायरिया पेट ख़राब हो सकता है, डाइजीनेस चक्कर आ सकते हैं, लूज ऑफ एपिटाइट भूख की कमी हो सकती है, हेडेक सर दर्द कर सकता है, इचिंग और आपके जिस्म पर चुभन हो सकती है, स्टमक पेन और मैदे में भी दर्द हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे मायसीटोल साशे के बेनिफिट, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो मायसीटोल साशे के हवाले से अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी एट डॉक्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने अजीज़ दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।